हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स की, जिनका फ्यूचर पोटेंशियल दोस्तों मुझे बहुत ही शानदार नजर आता है। फंडामेंटली दोस्तों तीनों कंपनीज बहुत ही मजबूत है, बिजनेस मॉडल तीनों कंपनीज का बहुत ही शानदार है, अपने अपने सेगमेंट में दोस्तों ये लीडर कंपनीज हैं। और बात की जाए टेक्निकल चार्ट पे तो क्या होंगे दोस्तों इनके फ्रेश बाइंग लेवल, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफी अच्छी इंसाइट्स आपको इन तीनों कंपनी के रिगार्डिंग मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज एक लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के बेहतरीन कॉन्टेंट के लिए। तो पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी है दोस्तों लिखिता इंफ्रा। जी हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई, बेसिकली आप कह सकते हैं कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। और यहाँ पर दोस्तों ये इकलौती कंपनी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको लिस्ट हुए, अभी आप देख सकते हैं करीब 778 करोड़ का मार्केट कैप। और जितनी भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, चाहे हम बात करें IGL की, या बात करें गुजरात गैस की, या फिर ATGL की, या फिर महानगर गैस की, या गेल की, तमाम दोस्तों तमाम कंपनीज के लिए, तमाम जो ये बिजनेसेस हैं उनके लिए यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है। आप देख सकते हैं स्टॉक का पी अभी चल रहा है 20 का, इंडस्ट्री का पी अभी नीचे है। ROC आप देखिए, और ROE आप देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है अभी और 778 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन लगातार दोस्तों अपने ROC और ROE को यहाँ पर मेंटेन करके चल रही है और बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। डेट बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त है, फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, बिल्कुल प्लेजिंग यहाँ पर शून्य है। और जिस प्रकार दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस है गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने का इंडिया को, जहाँ पर गैस शेयर दोस्तों यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, करीब अभी जो 6% का गैस शेयर है गैस इकोनॉमी, और करीब 15% तक लेके जाने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों बहुत ही तगड़ी कंपनी है लिखिता इंफ्रा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पूरा डिटेल में आपको इसका एनालिसिस करके बता चुका हूँ। तो अगर बात करें दोस्तों इसके में, तो अगर आप देखें तो 74.11 स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, FIIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं, पब्लिक के पास भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो लगातार आप देखेंगे इनके सेल्स के नंबर लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, मार्जिन्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो और क्या लेंगे दोस्तों आप देखिए ज़बरदस्त। ठीक है, जून क्वार्टर के नंबर देखिए काफ़ी बेहतरीन आए थे, ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर ग्रोथ थी। मार्जिन्स में देखिए क्वार्टर सिक्वेंशियल बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ज़बरदस्त यहाँ पर मार्जिन्स में ग्रोथ थी। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1 से 10 करोड़, और यहाँ पर देख सकते हैं सिक्वेंशियली थोड़ा बहुत डिक्लाइन था। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही मजबूत है। और टेक्निकल चार्ट पे मैं अगर आपको चले टेक्निकल चार्ट पे हम बाद में लौटेंगे, पहले हम कंपनीज की एक बार बात कर लेते हैं तीनों की। नेक्स्ट है दोस्तों एक्शन इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। इसके बारे में दोस्तों आपके साथ में कई बार वीडियो बना चुका हूँ, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो करीब 130 के लेवल से 140 के लेवल से मैं आपको इसको बता रहा हूँ, और करीब 250, 260, 270 तक ये कंपनी जा चुकी है। बहुत ही शानदार कंपनी है, अभी 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर थीम यहाँ पर दोस्तों प्ले आउट होती हुई नजर आएगी हमको फ्यूचर में, देखिए क्योंकि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना एक मस्ट है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं, रोड्स हाईवे ब्रिजेस बनते हैं, तो वहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के आपको इक्विपमेंट यूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। चाहे बात करें मोबाइल क्रेन्स की, मोबाइल टावर की 60% का मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है कंपनी, बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। ROC आप देखिए, ROE ज़बरदस्त हैं, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत शानदार है, पिछले 5 साल 10 साल 3 साल लगातार डिसेंट CAGR से ग्रो कर रही है, ज़बरदस्त फ्री कैश फ्लोज कंपनी जनरेट करती है, प्रमोटर जो है प्लेजिंग यहाँ पर बिल्कुल शून्य है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर FIIs ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है पिछले कई क्वार्टर से, DIIs ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है, एंड थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोटर ने अपने स्टेक निकाले हैं, लेकिन जो खरीदा है किसने खरीदा है भैया, FIIs और DIIs ने। तो यह है दोस्तों दूसरी कंपनी जो आपको अपने रडार पर रखनी चाहिए, कहाँ होगी बाइंग लेवल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों सीक्वेंट साइंटिफिक। जी हाँ दोस्तों, एनिमल फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, और कल ही दोस्तों इनके नंबर्स आए थे, और नंबर्स के बाद एक ज़बरदस्त हमको 20% का फॉल देखने को मिला था। अब आप बोलेंगे भैया नंबर्स अच्छे नहीं आए तो आप इसको क्यों रिकमेंड कर रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों एक नीश बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है, हालांकि इस बार के नंबर अच्छे नहीं आए इनके, लेकिन मेरे को लगता है दोस्तों आने वाले 5 साल में ये जो बिज़नेस है काफ़ी ग्रो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक मार्केट अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, लिमिटेड प्लेयर्स हैं, और उसमें सीक्वेंट साइंटिफिक एक ज़बरदस्त मार्केट शेयर रखता है अपने कुछ प्रोडक्ट्स में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए ये लोसार्टन दोस्तों एक प्रोडक्ट है, एक API है जिसमें 30% का मार्केट शेयर है। एनिमल हेल्थ केयर में बात करें मार्केट शेयर टर्की में 10% का मार्केट शेयर, और लोसार्टन की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जो लोसार्टन है वो होता क्या है, देखिए इट इज़ यूज टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर एंड ट्रीट सम फॉर्म्स ऑफ किडनी एंड हार्ट डिजीज इन डॉग्स एंड कैट्स। तो एनिमल
हेल्थ केयर में जब बात करें तो ये दोस्तों काफ़ी एक अच्छा जो मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये जो है इसकी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होते हैं इस प्रोडक्ट के लिए एनिमल फार्मा में। तो यहाँ पर 30% का मार्केट शेयर है सीक्वेंट साइंटिफिक के पास, और ये जो है एनिमल हेल्थ केयर में टर्की में इसका 10% मार्केट शेयर, आप समझ सकते हैं। और ये जो मार्केट साइज है दोस्तों लोसार्टन का एक्सपेक्टेड है एज पर द रिपोर्ट्स करीब 8% CAGR से ये लोसार्टन जो है API इसकी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। और मुझे लगता है कि दोस्तों एनिमल फार्मिंग नीश बिजनेस है और कहीं ना कहीं ये हमको फ्यूचर में ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कल ही इनके दोस्तों नंबर आए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी प्रॉफिट इन्होंने जनरेट नहीं किया पिछले क्वार्टर के जून क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करें तो, इसलिए इसमें 20% का दोस्तों लोअर सर्किट भी लगा था। लेकिन अगर आज बात करें तो फिर से दोस्तों यहाँ पर 10% की हमको तेजी देखने को मिली है, तो यहाँ पर फिर से एक बार बाइंग हुई है क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखे जा रहे हैं इस कंपनी के, और मुझे दोस्तों काफ़ी पसंद है ये कंपनी। इसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मार्केट कैप अभी देखिए 6600 करोड़ का है। स्टॉक का पी आपको थोड़ा सा हाई एंड पे देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ छुपी हुई है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको इतना हाई वैल्यूएशंस मिल रहे हैं। ROC ROE देखिए बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल मैनेजेबल डेट है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, फ्री कैश फ्लोस कंपनी जनरेट कर रही है 5 साल 10 साल 3 साल लगातार देख सकते हैं आप, क्या डिसेंट CAGR से, बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से कंपनी ये ग्रो हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो आप देखिए दोस्तों FIIs अपने लगातार यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है। DIIs ने अपना थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, और FIIs की प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास भी 53.86 अच्छे खासे स्टेक है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा रिस्की बैठ है दोस्तों सीक्वेंट साइंटिफिक, मैं आपको पहले ही यहाँ पर बताना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है क्योंकि एक दोस्तों नीश बिजनेस में ये जुड़ी हुई कंपनी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि मुझे दोस्तों काफ़ी पसंद है। बाकी अगर आपकी स्टडी कहती है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं, बाकी तीनों कंपनी को मैंने आपको बता दिया। बात करें बाइंग लेवल की तो लिखिता देख सकते हैं आप करीब 20% दोस्तों अभी भी करेक्शन पर मिल रहा है, एक सपोर्ट के आसपास है अपने, तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। मुझे लगता है कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से डेफिनेटली ग्रो करेगा, उसमें लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी यहाँ पर स्टोरी हो सकती है फ्यूचर में। नेक्स्ट है दोस्तों एस एस की बात करें तो ऑलरेडी 16% करेक्टेड है, इसके बारे में तो आपको मैं बहुत ही पहले से बता रहा हूँ, आप इसको दोस्तों लॉन्ग टर्म में स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो अभी 46 के RSI पे चल रहा है, तो RSI यहाँ से स्ट्रेंथ हमको दिखाता हुआ नजर आएगा, धीरे धीरे यहाँ से बाइंग होती हुई नजर आएगी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में, जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। और अगर आप बाहर जाएंगे कभी कोई ब्रिज बन रहा होगा, कभी कोई बिल्डिंग बन रही होगी, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको दोस्तों एस के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो वही एक इसकी स्टोरी यहाँ पर आपको दर्शाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सीक्वेंट साइंटिफिक, अपने ऊपरी स्तर से आप देखें तो करीब करीब अभी 21% के करेक्शन पे है, एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉल हमको कल देखने को मिला था, लेकिन आज देखिए फिर से एक बार 11% की तेजी है, तो इसमें फिर से एक बार बाइंग निकल के आई है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा ये गिरेगा, क्योंकि एक नीश बिजनेस में दोस्तों ज़्यादा प्लेयर्स जो है FIIs पर प्लेयर पैसा लगाते हैं, उनको पता है कि भैया एनिमल फार्मा एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इसमें बहुत ही कम प्लेयर्स हैं ग्लोबली में बात करूँ तो। आई थिंक एक मर्क है और एक आई थिंक जोएटिस है, फाइजर का ही दोस्तों एक ये डीमर्ज आम है, तो ये दो प्लेयर्स बड़े प्लेयर हैं और भी दो चार प्लेयर्स हैं, लेकिन ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पर है नहीं। तो सीक्वेंट साइंटिफिक एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी मुझे लगती है ग्रोथ परस्पेक्टिव में बात करूँ, तीनों ग्रोथ परस्पेक्टिव से मैंने आपके साथ यहाँ पर दोस्तों कंपनी आपको यहाँ पर बताइए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपके दोस्तों स्टिल कोई क्वेश्चन है डाउट है आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए एनालिसिस के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।